वेलकम बैक टू फैल्कन फिन गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिमिटेड पे और रेगुलर पे। ये जो दोनों टर्म यूज़ होती हैं, ये होती हैं टर्म इंश्योरेंस के केस में। दोनों का मैं मतलब बता देता हूँ। मान लीजिए अगर 35 साल के लिए हम कोई पॉलिसी ले रहे हैं और हम 35 साल तक प्रीमियम पे करेंगे तो वो कंसिडर होगी रेगुलर पे। बट अगर हम 35 साल के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं और हम 35 साल से कम पे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड पे। तो कोई पॉलिसी लेते टाइम पे हमें रेगुलर पे वाला पॉलिसी लेना चाहिए या लिमिटेड पे वाला पॉलिसी लेना चाहिए, किस में हमको फ़ायदा होगा, किस में हमको नुकसान होगा, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। थ्रू फाइनेंस, फाइनेंस के कैलकुलेशंस के थ्रू इसे हम समझेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इस मज़ेदार टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस का कोट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने रखा है। ये टाटा AIG का एक प्लान है टर्म इंश्योरेंस का, प्लेन टर्म इंश्योरेंस। 25 ईयर एज है, पर्सन नॉन स्मोकर है, जेंडर उसका मेल है और 35 साल के लिए उसने टर्म इंश्योरेंस लिया है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे हम, 10 साल और रेगुलर पे को कंपेयर करने वाले हैं। रेगुलर पे में पर्सन 35 साल तक 10,030 रुपया सालाना पे करेगा और 10 पे में 10 साल तक वो पे करेगा 21,358 रुपये। आइए देखते हैं किस पेमेंट मेथड में उसे कितना रुपये पहले पे करना पड़ रहा है। देखिए, रेगुलर पे में ये पर्सन पे कर रहा है 10,335 साल के लिए, तो टोटल इन्होंने पे किया है 3,60,500 रुपये। अदर हैंड 10 साल के लिए अगर वो लिमिटेड पे वाली पॉलिसी लेता है तो वो पे कर रहा है 2,13,580 रुपये। तो अगर दोनों के डिफरेंस को देखेंगे तो 1,46,000, अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 1,47,000 का कम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है लिमिटेड पे में। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो लिमिटेड पे वाला अगर एक नॉन फाइनेंस गाय होगा तो बोलेगा, भाई 1,50,000 रुपया कम भरना पड़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, तो वो हमेशा लिमिटेड पे के साथ में जाएगा। बट इसको अगर हम फाइनेंस के लैंग्वेज में देखेंगे, इन्वेस्टमेंट के लैंग्वेज में देखेंगे, तो कैलकुलेशन एकदम टर्न अराउंड करके मिलता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। मान लीजिए 21,358 रुपये के जगह ये ना करके कस्टमर 10,300 रुपये पे करने के लिए तैयार है और वो पर्सन जो बचा हुआ अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 11,058 रुपये बचता है। 11,058 को अगर हम ईयरली इसको मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो 921 रुपया आ रहा है। हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 900 रुपया, मतलब ये पर्सन 10 साल तक 900 रुपया हर महीने कहीं इन्वेस्ट करेगा और रिमेनिंग अमाउंट वो टर्म इंश्योरेंस के लिए पे कर देगा। तो 900 रुपये 10 साल तक अगर 8% के रेट पे, देखिए मार्केट तो 12% 15% देता है, बट मैं बहुत ही कंजर्वेटिव लेवल पे बात कर रहा हूँ बिकॉज आपको एक FD वाले लैंग्वेज में भी समझ में आ जाए। 8% के रेट से भी अगर इन्वेस्ट करता है तो 10 साल के बाद 1,65,749 रुपये का कैपिटल उसके पास जमा हो जाएगा। अगर उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो अगेन 1,65,000 बचेगा। तो अभी दोनों केस देखिए, यहाँ पे पर्सन 10 साल पे किया होता और पॉलिसी ख़त्म, उसके हाथ में कुछ नहीं बचता और उसने सारे पैसे पे कर दिए। यहाँ 10,300 रुपये उसने पे किया, बचे पैसे उसने इन्वेस्ट किए तो उसके पास 1,65,000 बचा। तो क्या ये 1,65,000 से ये आने वाले 25 साल की पेमेंट कर पाएंगे? बिकॉज़ यहाँ पे तो पेमेंट कंप्लीट हो गई थी, यहाँ 25 साल पे करना बाकी है। तो 1,65,000 रुपये से 25 साल पेमेंट कर पाना पॉसिबल है या नहीं? वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप पहले अपना कमेंट लिखिए और फिर देखते हैं कैलकुलेशन क्या कहता है। देखिए, 10 साल पे हो गए हैं, 25 साल पे करना बाकी हैं, कॉर्पस अवेलेबल है 1,65,000, हर साल पे करना है 10,300 रुपये। महीने की बात करेंगे तो 858 उनको हर महीना पे करना है आने वाले 25 साल तक। इसको अगेन मैं राउंड ऑफ करता हूँ 900 रुपया। तो मान लीजिए अगर ये 1,65,000 कहीं इन्वेस्ट करते हैं 8% के रेट से और उसमें से हर महीने 900 रुपया विड्रॉ करके अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करेंगे आने वाले 25 साल तक, तो जब वो पर्सन 60 साल के होंगे और 35 साल की पॉलिसी ख़त्म होगी तो इनके पास में बैलेंस होगा 3,49,499 रुपये, मतलब 3.5 लाख रुपये की। तो कहने का मतलब है, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे 8 के जगह पे 9-10% का रेट लगा लोगे तो यहाँ पे लगभग 5, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए तक का वैल्यू बचता है। तो कहने का मतलब है,
कि कैलकुलेशंस वाइज अगर हम देखेंगे तो 10,300 रुपये पे करते हैं तो पर्सन के हाथ में लिक्विडिटी भी है और वो बंदा एंड में एक अच्छा पैसा बना के जा रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 21,000 वाली पॉलिसी ली होती तो वो 10 साल पे करते, फ्री हो जाते और उनके पास कुछ नहीं बचता। यहाँ वो पे करते गए और उनके पास में एंड में 3.5 लाख रुपये की वैल्यू भी मिल रही है। सेकेंड, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड ऐसा है, कोई पर्सन है जो आज पॉलिसी ले रहा है तो उसके लिए 20,000 पर ईयर भरना थोड़ा महंगा लगेगा, बिकॉज़ उस टाइम पे इनकम हमारी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो धीरे धीरे उसको जेन्युइन लगने लगता है। तो कहने का मतलब है 21,000 अगर आज ही वो पे कर रहा है तो उसको यूज़ करने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं, अदर इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे पर्सन 10,000 लंबे टाइम तक भर रहा है, हो सकता है 10 साल के बाद में 10,000 की उसको कुछ वैल्यू लगे या मतलब बहुत कम अमाउंट लगेगा और वो आराम से पे कर सकता है। तो इस वे में भी हमें रेगुलर पे के मोड में जाना चाहिए। बट अगर कोई पर्सन है जो कुछ टाइम तक जॉब करेगा, उसके बाद में कुछ स्टार्टअप वगैरह का प्लान कर रहा है, कुछ अलग चीज़ों का प्लान कर रहा है, टूर का प्लान कर रहा है, वो पर्सन अगर लिमिटेड पे ले लेता है तो उसको एक बार ठीक है। बिकॉज़ क्या, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक उसने प्रीमियम पे कर दिया, उसके बाद वो फ्री माइंड है, उसको ये कैलकुलेशंस प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने पसंद का मोड लेते हैं, बट आप अगर लिमिटेड पे में जाओगे तो आपका नुकसान है, रेगुलर पे में जाओगे तो आपका ऑलवेज़ फ़ायदा है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ अच्छा पॉजिटिव फीडबैक डाल के हमारा मोटिवेशन अप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कैलकुलेशन के साथ में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।